नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट चटनी, जो कि बहुत ही तीखी, खट्टी और चटपटी चटनी। ये साउथ इंडियन चटनी है जो आप इडली और डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हम फ्रेश नारियल ले लेंगे और इसके हम छिलके उतार लेंगे। अगर आपको उतारना हो तो आप उतारे, नहीं तो बिना छिलके उतारे भी ये चटनी बन सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है छिल करके। अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक बड़ा चम्मच हम ले लेंगे चने की दाल। इस चने की दाल को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। भुने हुए चने मिलते हैं मार्केट में, तो छिलके हटा करके और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 2 से 3 हरी मिर्च, ये तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा टुकड़ा अदरक का छील करके वो भी हम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 8 से 10 हमने करी लीव्स लिए हैं, उनको भी हमने धो करके अच्छे से साफ कर लिए और वो भी हम ग्राइंडर जार के अंदर ऐड कर दिए। लास्ट में हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और उसके बाद से हम डालेंगे इसमें 1/2 स्पून के अकॉर्डिंग जीरा। नमक हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब लास्ट में हम डाल देंगे इसमें 1 टमाटर। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। मैंने सिर्फ आपको वीडियो में दिखाने के लिए बताया है। और हम लास्ट में डाल देंगे इसमें 1/2 कप पानी। तो पहले पानी की क्वांटिटी हमको कम ही डालनी है, फिर हम एक बार इसको ग्राइंडर जार में पीस करके और देख लेंगे कैसा तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी ठीक से तैयार नहीं हुआ है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसको फाइन पीस करके हमको तैयार कर लेना है। आप इस चटनी में इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दबा लेती हूँ, इसके वजह से मैं इमली इसमें नहीं डाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनली पीस कर तैयार हो गया। बहुत ही अच्छी चटनी बनी है हमारी। अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन रख देंगे और उसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो सरसों का तेल हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। और उसमें हम डाल देंगे 1/2 स्पून राई। राई हम थोड़ा सा चटकने देंगे, उसके बाद से हम उसमें डाल देंगे उड़द की दाल 1/2 स्पून। हमको ये भी डालना है, आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें साबुत लाल मिर्च जो हमने टुकड़ों में डाला है। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 5 से 7 कड़ी पत्ता, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका। अब हम चटनी में तड़का लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी बेस्ट चटनी बन करके हमारी तैयार हुई है। आप इसको इडली और डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक मीठी चटनी, जो आप आलू के पराठे, मेथी के पराठे या प्लेन पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आशा मिश्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो पे आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का शिकायत दूर कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मीठी चटनी तैयार करते हैं। तो मीठी चटनी बनाने के लिए भी सेम तरीके से मैं यहाँ पर फ्रेश नारियल ली हूँ और उसका छिलका हमने हटा लिया है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, तो देखिए ये कट करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसका इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि मीठी चटनी में हमको क्या क्या डालना है। तो मैंने यहाँ पे नारियल करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं एक बाउल में। अब हम ले लेंगे सौंफ 1 छोटा चम्मच, 8 से 10 हम काजू ले लेंगे, शक्कर ले लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और काली मिर्च हम ले लेंगे 4 से 5। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा अब हम ग्राइंडर जार के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सारे चीज़ों को। तो देखिए, जैसे कि हमने इसमें जो है कोकोनट डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, सौंफ हमने डाल दिया इसके अंदर, अब हम इसके अंदर शक्कर भी डाल देंगे और लास्ट में हम डाल देंगे इसके अंदर काजू और सबसे लास्ट में हमको डालना है इसमें पानी। तो पानी हम पहले थोड़ा ही डालेंगे, उसके बाद से अगर हमको कम लगेगा, थिक लगेगा, तो हम थोड़ा सा और इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे और इसको ग्राइंडर जार में डाल करके
और इसको हम पीस करके और तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारा ठीक से तैयार नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और अभी इसको हमको चला करके और फाइन तैयार कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी हमारी पीस कर तैयार हो गई। ये मीठी चटनी है कोकोनट की। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, लेकिन तड़का आपको घी से लगाना होगा और करी पत्ता से। तो देखिए, मैंने ऊपर से इसमें काजू सजा करके और इसको हम तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसमें तड़का लगा सकते हैं घी और करी पत्ता से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।